दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। आप यहाँ पे स्वयं देख सकते हैं अपनी पहली अपडेट को, अपनी आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए गए हैं कि 25,000 रुपये बेटियों को मिलेंगे। यहाँ पर जो है बोल दिया गया जन्म से लेकर जो है और स्नातक तक जो 25,000 रुपये के लिए यहाँ पर जो है वो घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बेटी के जन्मदिन पर जो है जन्म पर दिए जाएंगे 5,000 रुपये। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं रक्षाबंधन पर जो है मुख्यमंत्री जी उपहार, यहाँ पर शुभ मंगला योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये जो है इनको मिलेंगे जो है। और जो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि बेटियों को जन्म से स्नातक तक मिलेंगे 25,000 रुपये, सुमंगल योजना में साल में अभिभावक को बढ़ेगी राशि। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लखनऊ में जो है ये अभी घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोल दिया गया है ये जो कि यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री जो है कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये जो है बेटियों को मिलेंगे। और नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इसमें जो कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 4 सितंबर से होगी। आज के लगभग जो है सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 4 से होगी और जो है कोई भी जूता मोजा मेहंदी नैन पॉलिश लगाकर ना जाए, उनको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से, बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जाम से बाहर हो जाएंगे वो। तो इसलिए जो है कोई भी जो है ये चीज़ पहन के ना जाए, इनको पाबंदी लगा दी गई है। और इसमें 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 15 सितंबर तक 2 पालियों में होगी पात्रता परीक्षा। 46 विषयों में पहली बार जो है STET ले रहा है बोर्ड। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पाबंदियों पर जूता मोजा मेहंदी लगाकर जो है नैन पॉलिश में ना जाए, यहाँ पर जो है बोल दिया गया है। ये आपको जो एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसमें जो है 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली 10 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर में जो है 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। बिहार बोर्ड ने जो बुधवार को जो है प्रवेश पत्र भी जो है वो जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर, स्वास्थ्य विभाग को जो है मिले 384 डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग को 384 डॉक्टर जो हैं वो मिल चुके हैं। ये नेक्स्ट अपडेट की ओर, इन्होंने जो है आदेश कर दिए गए हैं, अगर DLED और BED अगर दोनों किया हुआ कैंडिडेट तो जो अगर उसने BED की मार्कशीट लगाई है तो DLED की मार्कशीट चेंज कर सकते हैं। बात और ये समय बिहार शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये बोल दिया गया है कि इसमें जो अब कोई जो है जमा में दस्तावेज बदलाव नहीं होगा, उनको टाइम अलग से मिलेगा उनको चेंज करने का जो है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया प्राथमिक उम्मीदवारों को जो है को बाद में इसमें सूचित किया जाएगा कि जो है BED प्रमाण पत्रों को DLED में कैसे बदलें, मतलब उनके लिए जो है करेक्शन का ऑप्शन खोल दिया जाएगा। और जो है BED वालों को जो है अगर किसी ने DLED कर रखा BED वाले कैंडिडेट ने तो BED की मार्कशीट हटा के DLED की वो लगा सकता पात्रता मानी जाएंगी, ऐसा जो है महोदय जी का बयान आ चुका चेयरमैन जी का। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे इसमें DLED में जो रजिस्ट्रेशन का जो आज अंतिम दिन है और यहाँ पर बताया गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आज इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 अगस्त इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है क्योंकि BED वाले बाहर हो चुके हैं, इसलिए DLED में इसमें जो आवेदकों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। और एक राज्य उड़ीसा में पूरी तरीके से BED वाले बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1-5 में जो है कहीं BED नहीं लिखा हुआ, BED वालों को बाहर कर देगा उड़ीसा में जो है। और जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका था कि BED वाले जो हैं बाहर होंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 1-5 जो हैं इस तरीके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे उनको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं NCTE के द्वारा जो है BED का कहीं जिक्र नहीं है, DLED का जिक्र यहाँ पर दिया हुआ, तो BED बाहर हो चुका, BED वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। नेक्स्ट अपडेट की ओर, इसमें जो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग जो है UP SSC के कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर अभ्यर्थियों को सूचित किया है, भेजाता है कि सूचना के अनुसार जो है 4 सितंबर 2023 के दिन सोमवार को जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बटेगा। सीधी सी बात क्या, इनका रिजल्ट भी आ चुका, इनको जो है ज्वाइन लेटर मिलेगा अब। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है सूचना जारी कर दी गई है, यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं ये इनको तो जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है ना। एक कनिष्ठ लिपिक होंगे या कोई भी हो गया जो लिपिक भर्ती है उसमें अभी क्या चल रहा है उसके बारे में अभी वार्तालाप करेंगे, बाद में जो है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे पहले बात करेंगे इसमें जो PCS JK आधे से अधिक पदों पर बेटियों का परचम, मतलब 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 20 में से जो हैं 15 में बेटियाँ हैं और 5 में बॉयज़ हैं, मतलब बेटे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आयोग ने इंटरव्यू के 48 घंटे के भीतर परिणाम जारी करके बनाया रिकॉर्ड।
तो अब तक का जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये बताया गया। आयोग ने इंटरव्यू के लिए 48 घंटे के भीतर जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे जो है बना दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है बता दिया गया है कि यहाँ पर सहायक रसायन और यहाँ पर सहायक आचार्य के जो है कार्डियोलॉजिक के अंतर्गत बोल दिया गया है। ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू यहाँ पे जो है वो घोषित कर दिया गया है। डेट यहाँ पे जो है 6 सितंबर और 6 सितंबर दोनों के लिए। इसमें जो एक और बताया गया कि इसमें ओमार सीट अनसर सीट के बारे में लोक सेवा आयोग की तरफ से जो बोल दिया गया है 14 जून 2023 के माध्यम से हुआ था 174 जो सर्जन के लिए, तो इसमें जो ओमार सीट में जो स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है ये। नेक्स्ट अपडेट की एक हमारे सब्सक्राइबर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें लिखा हुआ कि सर अगर जो है एडिड इंटर कॉलेज में क्लर्क भर्ती इसमें आएगी तो जो है आदेश हो जाने के बाद तो क्या आपके चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा? 100% पता चल जाएगा भाई, मैं अपडेट पल पल की देता रहता हूँ। तुरंत अगर आदेश होगा तुरंत बताएंगे। परेशान यह है कि भर्ती आएगी या नहीं, ये परेशान इसलिए हो रहे हैं कि ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। अगर आएगी तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यहाँ देखिए भर्ती आकर भी जो है इसमें जो है भरी जाएंगी तो क्या होगा, है ना, पैसे का खेल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पैसों का खेल होगा ये बता रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था वो यही है कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कहीं यहाँ से कहीं से पता करो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से बाहू भर्ती आएगी तो एग्ज़ाम भी होगा या रिटर्न एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात क्या है कि नया जब पुराने आयोग से UP SSSC जब ये एग्ज़ाम नहीं करा रहा तो नया शिक्षा सेवा आयोग कैसे करा देगा? इसमें तो और छूट मिलेगी आपको, उसमें आपको पैट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं करना पड़ेगा। मतलब UP SSSC से करेगा तो पैट क्वालिफाइड करना पड़ेगा और इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी इसमें जो छूट यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टाइम पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ ये बार बार कमेंट करते हैं तो मैं उसको कमेंट कर रिप्लाई करूँ, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। UP SSSC की तरह सरकार यहाँ पर सरकार के बारे में बोले हैं ये हैं, इस तरह के आप ये पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें और चपरासी भर्ती में एग्ज़ाम नहीं होगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको चपरासी भर्ती का आपका अलीगढ़ हो गया सभी में जो है मिल रहे हैं, धीरे धीरे बलिया में भी आ चुके हैं ज्वाइनिंग लेटर, है ना। तो यही चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन देनी, तो और एग्ज़ाम नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मऊ का ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा सर? 22 जुलाई को जो है, 22 जुलाई को कितने दिन में इंतज़ार करना पड़ेगा? मतलब 22 जुलाई को इनका इंटरव्यू हो चुका था, तो यहाँ पर लिखा हुआ मऊ का ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा? इंटरव्यू हो गया 22 जुलाई को, 22 जुलाई को हो गया तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 5 अगस्त तक आपको इंटरव्यू का ज्वाइनिंग लेटर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा चपरासी भर्ती का। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।